अब आते हैं थ्री क्वेश्चन पर। थ्री क्वेश्चन में एपी का एक सीरीज दे दिया गया है, थ्री वन माइनस वन माइनस थ्री, यह एपी का एक सीरीज दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है क्या होगा। फर्स्ट टर्म तो थ्री ही होगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पर थ्री है, सेकेंड टर्म वन है, थर्ड टर्म माइनस वन है। तो फर्स्ट टर्म तो हमको दिया हुआ है, वो तो उसी से निकल जाएगा आंसर। लेकिन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालता है, निकलता है तो सेकेंड में से फर्स्ट वाले को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, या थर्ड वाले में से सेकेंड को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, या फिर फोर्थ में से थर्ड को घटाएंगे तो, मतलब आगे वाले में से पीछे वाले टर्म को आप घटाते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकलता है, जो कि प्रत्येक में इक्वल होगा। तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू हम लिख देंगे a2 माइनस a1, a2 में से a1 को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो a2 आपका 1 है, a1 आपका 3 है, तो 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। तो फर्स्ट टर्म आपका 3 जो कि दिया हुआ था, एंड कॉमन डिफरेंस इस सूत्र के माध्यम से मैंने निकाल लिया, जो कि आपका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। तो फोर में आपका ये जो सीरीज, एक सीरीज दिया हुआ, फोर का नंबर टू हम ले रहे हैं, तो उसमें एक सीरीज दिया हुआ है टू फाइव बाई टू थ्री सेवन बाई टू, इस तरह से करके। तो इसमें हमको बताना है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले बताइए कि जो दिया हुआ सीरीज जो है वह एपी में है कि नहीं। एपी में है तभी आप ये फोर टर्म के बाद थ्री और टर्म निकालना है, यानी फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवेंथ टर्म निकालना। एपी में सीरीज होगा तब। तो पहले हम चेक करेंगे कि दिया हुआ सीरीज एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डी वन पहले निकालते हैं। तो डी वन इक्वल टू होता है ए टू माइनस ए वन, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो हमारा डी वन निकलेगा, जो कि एक बटा दो के बराबर आया। डी टू यानी सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो ए थ्री माइनस ए टू, यानी थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाएंगे तो डी टू निकलेगा। तो इस तरह से कर रहे हैं तो ये भी एक बटा दो के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल आ रहा है। तो डी वन और डी टू इक्वल है, जो कि डी के बराबर कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं उसको। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा प्रत्येक टर्म में इक्वल आए तो वह कॉमन डिफरेंस ही कहलाता है। तो डी वन और डी टू इक्वल है, जिसको कि हम डी के बराबर यानी कॉमन डिफरेंस के रूप में ले सकते हैं, जो कि एक बटा दो के बराबर है। तो यह इससे हमको पता चलता है कि गिवन सीरीज, दिया हुआ सीरीज जो है एपी में है, यह आपका प्रूफ हो गया। अगर एपी में नहीं रहता, डी वन डी टू इक्वल नहीं आता, तो दिया हुआ सीरीज में नहीं है, तब हम आगे का तीन टर्म नहीं निकालते। यही जब हमारा दिया हुआ सीरीज एपी में नहीं रहेगा, दैट मीन्स कि डी वन और डी टू इक्वल नहीं होगा, तो दिया हुआ सीरीज एपी में नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर हम आगे का टर्म नहीं निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ सीरीज एपी में है, तो हम आगे का कह रहा है कि आप तीन और टर्म निकालें। तो अब फोर टर्म तक दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म हमको निकालना है ए फाइव। तो ए फाइव इक्वल टू होता है ए प्लस फोर बी। ए का मान तो आपको पता है टू, फोर इन टू। बी का मान आप यहाँ से ले सकते हैं एक बटा दो, तो एक बटा दो बैठा दिए, टू टू जब फोर कट हो गया, टू प्लस टू फोर। ए सिक्स, ए प्लस फाइव बी, ए प्लस फाइव इंटू वन बाई टू, ए प्लस टू प्लस फाइव बाई टू, दैट मीन्स फोर प्लस फाइव बाई टू यानी नाइन बाई टू। सेवेंथ टर्म ए प्लस सिक्स डी, टू प्लस सिक्स इंटू वन बाई टू, टू थ्री या सिक्स, टू प्लस थ्री फाइव। तो ये आपका नेक्स्ट थ्री टर्म भी निकल गया, जो कि आपका आंसर है। तो फोर में आपको इसी तरह से पूरा बनाना है, थ्री में आपको इस तरह से बनाना है। सबका एक एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, उसी आधार पर आप सारा